तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम अब्रेज़ अहमद फ्रॉम शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर। होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है बोहर्स इफेक्ट को सब एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं हाउ ऑक्सीजन इज़ ट्रांसपोर्टेड। अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यूज़ बाय बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन रिवर्सिबली एंड लूजली। यानी कि जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगी एंड व्हेन द ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर इज डिक्रीज्ड ऑक्सीजन विल डिसोसिएट फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व हमें बताती क्या है। इट डिपिक्ट्स अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन बाउंड विद द ऑक्सीजन एज ब्लड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेज विच इज़ कॉल्ड द परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन बाउंड विद द हीमोग्लोबिन यानी कितनी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुई हुई है उसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन सेचुरेशन विच इज़ रिप्रेजेंटेड इन परसेंटेज। एंड हेयर ऑन द एक्स एक्सिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड विच इज़ रिप्रेजेंटेड इन MMHg। हेयर वी कैन सी डैट वैन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 95 MMHg द परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज 97% विच इज़ द केस वैन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज लिविंग द लंग्स। एंड वैन द पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 40 MMHg द परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज 75 विच इज़ द केस वैन द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स फ्रॉम द टिश्यूज। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जब ऑक्सीजन हमारे पास लंग्स में ब्लड लंग्स में जाता है तो उसकी ऑक्सीजनेशन हो जाती है। वहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 95 MMHg तो हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन हो जाती है 97%। तो उसके बाद जब ब्लड हमारे पास आता है टिश्यूज़ में तो ऑक्सीजन निकल जाती है, ऑक्सीजन हम टिश्यूज़ को डिलीवर कर देते हैं, डी ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड हो जाती है। वहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर रह जाता है 40 MMHg एंड द परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन दिस केस इज 75%। तो ये तो थी हमारे पास नॉर्मल ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अब हम देखते हैं जो इसमें शिफ्ट्स कैसे आती हैं। एक हमारे पास शिफ्ट आती है इसमें राइटवर्ड शिफ्ट एंड एक आती है हमारे पास लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये हमारे पास ब्लू वाली है नॉर्मल ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व एंड हेयर द ब्लैक वाली जो नीचे है वो है राइटवर्ड शिफ्ट शिफ्ट विच इज़ शिफ्टेड डाउनवर्ड्स एंड राइटवर्ड्स एंड हेयर इज़ द लेफ्टवर्ड शिफ्ट विच इज़ शिफ्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट एंड अपवर्ड्स। तो इन दोनों शिफ्ट्स का मतलब क्या है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब यह है कि अफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन फॉर द ऑक्सीजन इज़ इंक्रीज्ड एंड राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब यह है अफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन फॉर द ऑक्सीजन इज़ डिक्रीज्ड। यानी जब हमारे पास ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगी इसका मतलब है अफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन फॉर द ऑक्सीजन इज़ डिक्रीज्ड एंड ऑक्सीजन विल डिसोसिएट फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। एंड व्हेन दिस कर्व shifts towards the left it means the affinity of hemoglobin for the oxygen is increased and the oxygen will bind to the hemoglobin. अब हम देखते हैं फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स हैं जो इस शिफ्ट को इस कर्व को शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स द राइट। इनमें चार फैक्टर्स हैं, इंक्रीज्ड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज्ड टेम्परेचर एंड इंक्रीज्ड 2,3-bisphosphoglycerate। अब इन द बोहर्स इफेक्ट वी विल सी जस्ट टू, ये इंक्रीज्ड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। हम सिर्फ इन दो फैक्टर्स को देखेंगे यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं बोहर्स इफेक्ट हमें कहता क्या है। बोहर्स इफेक्ट की डिस्क्रिप्शन है इंक्रीज्ड डिलीवरी टू द ऑफ द ऑक्सीजन टू द टिश्यूज व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन शिफ्ट्स द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टू द राइट। अब इसका मतलब यह है कि जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती हैं वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन हमारे पास ऑक्सीजन की जो डिलीवरी है फ्रॉम द ब्लड टू द टिश्यूज़ इज़ इंक्रीज्ड। अब हम ये देखेंगे इन द टिश्यूज़ ये दो फैक्टर्स कैसे इंक्रीज होते हैं और ये कैसे हमारे पास जो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं। When the blood goes into the tissues, जब blood हमारे पास tissues में आता है carbon dioxide diffuses in the blood. ये in the tissues carbon dioxide is released from the cells. This carbon dioxide diffuses in the plasma or the blood. Then this carbon dioxide further diffuses into the RBCs. In the RBCs, this carbon dioxide reacts with the water.
एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेज एज अ रिजल्ट कार्बोनिक एसिड इज फॉर्म्ड विच इज H2CO3 दिस एसिड फर्दर डिसोसिएट्स इनटू बाइकार्बोनेट आइंस H3CO3 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव आइंस सो इन द टिश्यूज व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज्ड इन द ब्लड द हाइड्रोजन आइन कॉन्सेंट्रेशन विल ऑल्सो बी इंक्रीज्ड तो अब हमने देख लिया है कि कैसे ये दो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन ये दो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है तो जब हमारे पास ब्लड आएगा टिश्यूज व्हेन द ब्लड इन द इज इन द टिश्यू कैपिलरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आइन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज दे शिफ्ट द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टू द राइट विच मीन्स अफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन फॉर द ऑक्सीजन इज डिक्रीज एंड द ऑक्सीजन विल बी रिलीज फ्रॉम द हीमोग्लोबिन अब जब ब्लड आएगा हमारे पास टिश्यू कैपिलरीज में वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी इन द ब्लड और वो ये दोनों फैक्टर्स ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स द राइट विच मीन्स दैट द अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर द ऑक्सीजन इज डिक्रीज एंड एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन विल बी डिलीवर्ड टू द टिश्यूज व्हेन इट इज़ रिलीज फ्रॉम द हीमोग्लोबिन अब इसके इसका ऑपोजिट इफेक्ट क्या होता है कन्वर्सली व्हेन द ब्लड गोज इनटू द लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड गोज आउट ऑफ द ब्लड एंड अल्टीमेटली इन द एयर एज अ रिजल्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेज इन द ब्लड एंड दीज टू फैक्टर्स शिफ्ट द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टू द लेफ्ट विच मीन्स अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर द ऑक्सीजन इंक्रीजेज एंड ऑक्सीजन बाइंड्स टू द हीमोग्लोबिन अब जब ब्लड हमारे पास जाता है लंग्स में तो लंग्स में हमारे पास हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी एयर में which goes out of the blood carbon dioxide will go out of the blood into the alveoli and then ultimately into the air so is result mein hamare paas partial pressure of carbon dioxide and hydrogen ion ki concentration decrease ho jati hai ab ye jo carbon dioxide ki concentration decrease ho rahi hai aur hydrogen ion ki concentration decrease ho rahi hai ye do in dono factors ka opposite effect hai तो ये जो दो फैक्टर्स थे जो कि शिफ्ट कर्व को शिफ्ट कर रहे थे टुवर्ड्स द राइट जब इनका ऑपोजिट इफेक्ट शो होगा हमारे पास लंग्स में तो ये शिफ्ट को कर्व को शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड व्हेन द कर्व इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट इट मींस दैट द अफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन फॉर द ऑक्सीजन इज इंक्रीज्ड एंड व्हेन इट्स अफिनिटी इंक्रीजेस द मोर हीमोग्लोबिन विल बाइंड टू ऑक्सीजन सो एज अ कंक्लूजन वी कैन से दैट As the partial pressure of carbon dioxide or hydrogen ion concentration increases in the tissue capillaries, more oxygen is delivered to the tissues from the blood. But when the carbon dioxide concentration and hydrogen ion concentration decreases as the blood passes from the lungs, more oxygen will bind to hemoglobin. This is called the Bohr's effect. अब Bohr's effect में है क्या? ये कहता है कि जब carbon dioxide और hydrogen ion की concentration increase होगी, जब blood का pass करेगा from the tissues. तो उस नतीजे में हमारे पास जो कर्व है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व वो शिफ्ट करेगी टुवर्ड्स द राइट एंड द अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर द ऑक्सीजन विल बी डिक्रीज्ड एंड ऑक्सीजन विल बी डिलीवर्ड टू द टिश्यूज एंड व्हेन द ब्लड पासिस थ्रू द लंग्स द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन विल बी डिक्रीज्ड एंड द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट ड्यू टू दीज टू फैक्टर्स ड्यू टू द इंक्रीज इन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड ड्यू टू विच मीन्स दैट द लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द कर्व मीन्स दैट द अफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन फॉर द ऑक्सीजन इज इंक्रीज एंड ड्यू टू दिस इंक्रीज अफिनिटी मोर हीमोग्लोबिन will bind to the oxygen and more oxygen will be available to the tissues for the oxygenation of the tissues ab ye hai hamare paas Bohr's effect so the Bohr's effect makes the transport of oxygen faster and easier as the oxygen is delivered to the is released from the blood to the tissues faster and it is gained by the hemoglobin in the lungs faster to ye tha hamare paas Bohr's effect इस वीडियो को लाइक करें इस पे कमेंट करें ताकि मैं आपकी फ़ीडबैक जान सकूं आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप फ्रीली मेरे से आस्क करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप मेरी नई वीडियो से नोटिफाइड रहें अल्लाह हाफिज़ थैंक यू वेरी मच